आज मैं बना रही हूँ डिनर में पनीर सैलेड। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सोया पनीर लिया है जो सोयाबीन से बनता है। ये काफी हेल्दी होता है, इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप नॉर्मली जो दूध से पनीर बनता है वो ले सकते हो। तो चलिए बनाते हैं पनीर सैलेड। तो ये देखिए, पनीर सैलेड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ये सलाद वाले टमाटर ले रही हूँ। दो टमाटर मैंने डाल दिए हैं और एक चम्मच में डाल रही हूँ चाट मसाला। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सेंधा नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ एक ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। और साथ ही मैं इसमें ग्रीन चटनी डाल रही हूँ, हरे धनिया और लहसुन की पीसी है मैंने। इसमें भी थोड़ी सी मिर्च है और अब मैं इसमें साथ ही डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। और ये जो सैलेड है काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हेल्दी चटपटी सी रेसिपी है। हेल्दी भी और चटपटी भी, क्योंकि इसमें ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। इसके साथ में आप ब्रेड भी खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। जैसे आजकल लोग मिलेट की रोटी खाते हैं तो उसके साथ में आप रात में ये ले सकते हो, जो काफ़ी हेल्दी भी है और चटपटा भी है। देखिए सारी चीज़ें बढ़िया मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये सोया पनीर। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, अगर आपको ये पनीर नहीं लेना है तो आप नॉर्मल जो दूध वाला पनीर होता है वो ले सकते हो। तो ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया मिक्स कर देंगे। और एक बार आप नमक टेस्ट कर सकते हो, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। साथ ही अब मैं इसमें एक नींबू का रस डाल दूंगी। ये देखिए, इससे काफ़ी चटपटापन आ जाएगा। ये देखिए रस निचोड़ दिया है मैंने। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतनी जल्दी से ये देखिए चटपटा सा सैलेड ये तैयार हो गया। हेल्दी भी, चटपटा भी और प्रोटीन से भरपूर है, क्योंकि इसमें सोया पनीर है। और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि ये ऑयल फ्री भी है, प्रोटीन से भरपूर भी है और इसमें प्याज है, टमाटर है, क्योंकि उन लोग को सैलेड खाना चाहिए जिन लोग को अपना वज़न कम करना है। तो ये देखिए कितनी जल्दी से ही हमारा सैलेड तैयार हो गया है। तो ये देखिए पनीर सैलेड हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ में आप रोटी खा सकते हो, कुछ लोगों को अगर पराठे के साथ में खाना है तो वो भी खा सकते हैं। अगर आप ब्रेड खाते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं, मिलेट वाली ब्रेड आती है वो खाते हैं, तो उसके अंदर फिल करके सैंडविच बनाकर भी आप इसे खा सकते हो।